हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो है फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये एसएससी में पूछा जाने वाला जो बार बार क्वेश्चन है उसका पूरा कलेक्शन है। रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें के भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सब इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में 3 वीडियो, आपको जितने भी वीडियो मिले हुए उस प्लेलिस्ट में, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ जाना है। बायोलॉजी ऑलरेडी आपको 100 क्वेश्चंस वाले करवा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको दिए होंगे। तो फिर मुझे लगता है कि इस ये वीडियो कर लेने के बाद और जितने चैनल पर वीडियो हैं उसको कर लेने के बाद फिजिक्स से भी आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने पहले भी करवा रखा है और ये वाला वीडियो में जो आपको करवा रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद आप एकदम 100% कर जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये एक तरह से आपका टेस्ट ही है, कितना क्वेश्चंस आपको आता है कमेंट करके बताना आप लोग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो कौन सा वो डिवाइस है जो यूज करते हैं हम लोग मेजर करने के लिए ह्यूमिडिटी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो किससे मापते हैं हम लोग, इसको मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना, HYGROMETER, ठीक है ना, हाइग्रोमीटर से, इसी से मापा जाता है ह्यूमिडिटी को। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस PDF में आपको केवल और केवल रिपीट क्वेश्चन मिलेगा, जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी SSC जो रिपीट करता है क्वेश्चन उसका पूरा कलेक्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्टर क्वान्टिटी, इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी आपका नहीं है, तो ये है आपका स्पीड नहीं है, ठीक है। मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क जो है ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट प्योर वाटर फ्रीज, तो कितने टेम्परेचर पे जो है प्योर वाटर फ्रीज हो जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका इन फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर सेल्सियस की बात होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है आपका, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, तो 32 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 4 में कि प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, तो प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है रिडक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 5th में कि सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज, तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है उसको क्या कहते हैं, वो मेन ऊर्जा का स्रोत आपका किससे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब्स, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज यहां पर हो जाएगा आपका W, यानी कि टंगस्टन मेटल जो है आपका यहां पर करेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है कि द डायनमो से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। तो ये जितने भी आप टर्म्स देख रहे हैं ना, जब आप बुक पढ़ेंगे, वापस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप बुक पढ़ेंगे और उस बुक में आप जब देखेंगे ना ये सब, जैसे डायनमो दिया हुआ है तो आपका माइंड क्लिक करेगा, अच्छा ये सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर और भी सारे क्वेश्चन दिए हुए, ये बल्ब वाले हो गए या ये सब आपको सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको एकदम रिलेट करना है और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, फिर फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डायनमो क्या है, ये है आपका कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्या, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनमो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग लीड पेंसिल, ओके, तो किसका जो है उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लीड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है, तो यहां पर आपका क्या होने वाला है, ग्रेफाइट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिकल बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स,
तो बल्ब में जो होता है ये यूज होता है, उसके फिलामेंट को यूज़ हम करते हैं टंगस्टन को। तो मेनली क्यों करते हैं, रीज़न क्या है कि टंगस्टन का उपयोग डैश के कारण विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है ये गलता नहीं है, ठीक है, इसका बहुत जो इसका रेजिस्टेंस है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में क्या दिया हुआ है, एन ऑसिलोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउ अस टू सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई। तो ऑसिलोस्कोप का एक उपकरण है जो हमें डैश द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। किस द्वारा तरंगों को देखने में मदद करता है, तो साउंड, साउंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका प्रेशर होने वाला है। ठीक है, ये इसका सिंबल है, पास्कल को शॉर्ट में हम पीए लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है, द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वेव्स आर। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वेव्स आर वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ऑल ऑफ द एवव आपका हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यही है ऑल वेव्स का। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शाइन्स ड्यू टू। द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शाइन्स ड्यू टू, क्यों शाइन करता है, क्यों चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका, द स्प्रेड इन कलर्स इन अ रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरली ड्यू टू। रेनबो जब आप देखते होंगे ना, रेनबो जब बारिश भी होती है, धूप भी निकल जाता है आपको, तो ये जो कलर जो स्प्रेड होता है ये क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज आर कॉल्ड। तो 20 हर्ज से नीचे के साउंड फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक्स, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। तो कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ हैं, क्या है वो, सिलिकन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनर्जी रिलीज्ड। तो निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो किसका किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो रेस्पिरेशन में जो है ये उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपका कि क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, ये यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। सूरज की ऊर्जा का स्रोत डैश की प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज। प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल किसका है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज वॉट। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर इंटरैक्शन जो है ये आपका होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, द इन न्यूक्लियर रिएक्टर हेवी वाटर इज यूज एज। हेवी वाटर इज यूज एज आपका क्या हो जाएगा, मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करेंट डैश के प्रवाह के कारण होता है, किसके प्रवाह के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 24 में कि द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। तो फ्यूज वायर जो आप देखते हैं उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज का क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इसमें से कौन है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए? तो ग्रेफाइट जो है आपका करेक्ट आंसर है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस, तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है और इसका नाम क्या है? फैदोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सब मैरिन टू सी द ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, तो यहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? इसको किया जाता है पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप आपका करेक्ट आंसर है। वॉट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स, तो वॉट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉन्ग जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स, यहां पर आपका क्या आंसर होने वाला है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स को? एनीमोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ मास, बॉडी साइज एंड शेप, यानी कि ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। व्हेन अ रे और अ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, तो क्या होता है जब रे और लाइट इंटर करता है ग्लास स्लैब में फ्रॉम एयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट्स वेव लेंथ, उसका जो वेव लेंथ होता है वो डिक्रीज, घट जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी डिटेक्टेड बाई, तो जो ये अल्ट्रासोनिक वेव होता है इसको हम किससे डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्टेड बाई, तो उसको डिटेक्ट करते हैं कुंड्स ट्यूब, जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स के एसआई यूनिट को हम क्या कहते हैं? वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड करेक्ट आंसर इज न्यूटन, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर, बैड थर्मल कंडक्टर यहां पर कौन सा है? तो बैड थर्मल कंडक्टर है यहां पर ग्लास, ठीक है, ग्लास जो है आपका बैड थर्मल कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉट इज द राइट आंसर? प्रेशर के ऐसा यूनिट को हम बोलते हैं क्या? पास्कल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड, तो कितना डिस्टेंस वो कवर्ड किया है व्हीकल, उसको मापने के लिए एक मीटर लगा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं जो कैलकुलेट करता है एक्चुअली डिस्टेंस? ओडोमीटर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या आपका, कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक डैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड डैश रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वॉट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के यूनिट को हम क्या कहते हैं? वॉट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस एंड वॉट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज यहाँ पर आपका हो जाएगा ओम, जो है ओम्स लॉ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ओम। नेक्स्ट है आपका, वॉट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डिजर्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके कारण होता है, ठीक है, मिराज बनता है।
नेक्स्ट है आपका द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस अराउंड कॉर्नर और अ स्लाइट इज ड्यू टू। इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ज होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर आपको ये सब दिया हुआ है, इसको आप याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज इन, तो कन्वेक्स मिरर जो है ये कहाँ उपयोग होता है जनरली, तो रियल व्यू मिरर होता है जो आप देखते हैं गाड़ी वाड़ी में लगा होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो स्पीड का जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ये मैक्सिमम होता है कहाँ पे, वैक्यूम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोप बबल्स अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, तो जो झाग निकलता है वहाँ से जो एक आप देखते होंगे ऐसे शेप में जो आपका निकलता है वो जो बबल्स जो होता है बुलबुले, वो किसके कारण से ऐसा होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका इफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इन अ रियर व्यू मिरर देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड, तो किस टाइप का मिरर हम यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, ओके। व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर शैलोवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, कभी आप जाइएगा टंकी में देखिएगा मतलब ऊपर से देखिएगा तो वो आपको एक शैलोवर टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको क्यों होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड, जब हम लाल और हरे कलर को मिक्स करते हैं तो कौन सा एक नया कलर फॉर्म्ड होता है, तो येलो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, येलो पीला होता है। नेक्स्ट हो गया आपका एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो वो कौन सा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भार होता है, वेट हो जाता है आदमी, तो पोल्स पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वो काम करता है। नेक्स्ट है आपका कि विच फेनोमिनन शोज द पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट, विच फेनोमिनन शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो एनर्जी जो है वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, हीट एनर्जी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो जूल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल लॉ, तो वो कौन सा ऐसा गेम है जिसमें खिला मतलब जो प्लेयर्स होते हैं उनको नॉलेज होना चाहिए पास्कल लॉ के बारे में, तो स्क्यूबा डाइविंग जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क, तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये काम करता है पास्कल लॉ पे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है डैश एक्ट एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, तो केल्विन जो है इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका इफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन,
जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इस छो कम होता है, स्मॉलर होता है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन में। नेक्स्ट है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट है आपका द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो है यहां पर आपका राइट है। हु डिस्कवर्ड प्रोटोन, प्रोटोन को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो 1920 में किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। द स्लाइड मिरर ऑफ अ व्हीकल आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर, जो आप देखते हैं वाहन में, आप देखिए मोटरसाइकिल कार ये सब में, वो किस टाइप का मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स। और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म डैश इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड आपका है यहाँ पर, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड्स इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज, द रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। नेक्स्ट है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है स्फेरिकल मिरर का। जे जे थॉम्सन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ, किसका डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो टीवी रिमोट कंट्रोल ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, टीवी का रिमोट इंफ्रारेड वेव्स के कारण, ओके। नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सेम क्वेश्चन ना, इंफ्रारेड वेव्स हो जाएगा, ठीक है। बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बॉल पेन, सरफेस टेंशन पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ मैग्नीट्यूड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला है, ओके। अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है आपका द एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, द एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज, तो वाटर बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन मिल्क इज चर्नेट द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट्स ड्यू टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस, तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वाटर इज यूज्ड इन अ कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट बिकॉज इट मे कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन।
A copper disc has a hole. If the disc is heated, the size of the hole तो साइज ऑफ द होल इंक्रीजेज. द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट तो यहां पर डिक्रीज होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन तो ऑप्टिकल इल्यूजन इनमें से कौन सा है तो मिराज है. ठीक है. एन एथलीट रन बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन. इन सनलाइट अ रोज अपीयर्स रेड इन ग्रीन लाइट द सेम रोज अपीयर्स ब्लैक. द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू डायमंड क्यों चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. वेव डैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर रेडियो वेव्स. राइज ऑफ ऑयल अ विक इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल. सन हीट रीचेज अस बाय तो सूर्य का रोशनी यहां पहुंचता है किसके कारण रेडिएशन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट वाटर. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर ऑफ ज्यादा होता है स्टील से. द ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी आर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड. इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फ्यूअल यूरेनियम काम करता है ये. द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड जब लिक्विड को हम हीट करेंगे तो डेंसिटी क्या होता है डिक्रीज कर जाता है. इन द रेलवे ट्रैक टू रेल्स ज्वाइंट टू द एंड विथ अ गैप इन बिटवीन देम बिकॉज तो एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंसिबल इन समर कैन बी अवॉइडेड. ये जो दो पटरी होता है ना इसको ज्वाइन करता है तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है. ठीक है. तो समर के टाइम में क्या होता है कि ये बढ़ता है तो ये हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है इससे. ठीक है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ इमेज इन अ कैमरा तो यहाँ हो जाएगा द एपर्चर. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन MRI मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड किसका यूज होता है तो मैग्नेटिक वेव्स का होता है. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ये वाला ये जो जितने क्वेश्चन है ये तो फिनिश हो गए हैं लेकिन ये विश्वास है कि ये क्वेश्चन ये सेट में आपका स्कोर निश्चित है 70+ तो होना ही चाहिए. ठीक है. ये सारे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हैं यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि जब आप फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे ना तो उसमें केवल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो और इस क्वेश्चन के आधारित पे ही आप बस बुक से पढ़ लेना काम हो जाएगा फिनिश. कल मिलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के साथ 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करेंगे हम लोग उसके बाद आपका फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री ये तीनों खत्म हो जाएगा. ठीक है. प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं उसको भी देखना ना भूलें आप सारे कुछ नीचे दिए होंगे. PDF के लिए आप SSC क्रैकर्स टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना आप लोग. ठीक है. सर्च करोगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा SSC क्रैकर्स. ठीक है. इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक्स का. ठीक है. तो सब लोग लाइक करके जाना. हालांकि इतने देर तक कोई अगर वीडियो देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फेवरेट लोग ही देखते हैं बाकी तो शायद नहीं देख पाए लेकिन कोई बात नहीं है 500 लाइक्स हो जाने चाहिए. लास्ट वाले वीडियो पे 405 के आसपास लाइक है बट कोई नहीं सेटिस्फाइड है इस परफॉर्मेंस से आप लोगों के कोई नहीं. ठीक है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.